खबर का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं के लिए किए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट किया है, जिसमें गहलोत ने लिखा है कि पढ़े नारी बढ़े नारी और उसे पूर्ण सम्मान भी मिले। गहलोत ने लिखा है कि सरकार ने 2 महीने में ही प्रदेश की महिलाओं के हित में कई अहम फैसले लिए हैं। बालिकाओं को सत्र 2019-20 से सभी सरकारी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। सीएम गहलोत ने ये फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है और जिसे बहुत सारे रिट्वीट्स और लाइक्स भी मिले हैं। आम लोगों से मुलाकात करने के साथ साथ वो हमेशा सोशल साइट्स पर भी एक्टिव नजर आते हैं और कई अहम फैसलों की उन्होंने जानकारी भी अपने फेसबुक पोस्ट पर दी है। और इस वक्त हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, वाकई में हमने देखा है कि आम लोगों से तो इनका इंटरेक्शन होता ही रहता है, मेल मुलाकात चलती ही रहती है, लेकिन उतने ही एक्टिव सीएम सोशल मीडिया पर भी नजर आते हैं। जी दिव्या, बिल्कुल, आपको बता दूं जिस प्रकार सीएम अशोक गहलोत ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से ट्वीट करके महिलाओं के सशक्तिकरण की जानकारी की यहाँ पर बात यहाँ पर कही है। आज सुबह सीएम अशोक गहलोत ने ट्विटर पर एक मैसेज यहाँ पर लिखा था, फेसबुक पर एक मैसेज यहाँ पर लिखा था, जिसमें पढ़े नारी बढ़े नारी महिलाओं को मिले महत्वपूर्ण स्थान, इस तरह की बात उन्होंने यहाँ पर लिखी। इससे आप अंदाजा लगाया जा सकते हैं जिस प्रकार से पिछले 2 माह में सीएम अशोक गहलोत सरकार ने जो महिलाओं के लिए यहाँ पर कार्य किए हैं, महिलाओं के लिए जो निःशुल्क बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की जो घोषणा की, जो 2019-20 से यहाँ पर चालू होगी, उसके साथ साथ जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता जो महिलाओं के लिए 3,500 रुपए किया गया, उसके साथ साथ अन्य जो योजनाएं मुख्यमंत्री जो सरकार ने यहाँ पर शुरू की है वो खासा सराहनीय है और उसी का उदाहरण है आज सीएम अशोक गहलोत ने फेसबुक पर दिया। जैसे ही ये मैसेज सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक पर डाला, उसके बाद जो लोकप्रियता का अंदाजा आप लगा सकते हैं किस प्रकार से लाइक्स और कमेंट्स उनके लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो वाकई में जिस प्रकार से सीएम अशोक गहलोत महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए जिस प्रकार प्रदेश के हित में जो बात सोची है वो लगातार धीरे धीरे सोच जो है महिलाओं के लिए छात्राओं के लिए वो भी दर्शाती है इस ट्वीट के जरिए। जी बिल्कुल, देखिए आप उसकी लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे सीएम अशोक गहलोत ने जैसी ट्वीट डाला पढ़े नारी बढ़े नारी, उसके बाद लगातार कमेंट्स और लाइकों का जो लगातार इजाफा है, वो जो ग्राफ है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी सीएम अशोक गहलोत सरकार ने जैसी सरकार यहाँ पर बनी थी तो उन्होंने लगातार जैसे बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की जो बात कही जो 2019-20 में चालू होगी, ना केवल स्कूलों में बल्कि सरकारी कॉलेजों में भी बालिकाओं को यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। उसके साथ साथ जिस प्रकार से बेरोजगारी भत्ता में जहाँ पर 5 गुना इजाफा है जो सीएम अशोक गहलोत की सरकार ने यहाँ पर किया, 3,500 रुपए अब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, तो इन तमाम जो चीजें हैं, जो बालिकाओं की शिक्षा की बात की जाए चाहे अन्य योजनाओं की बात की जाए, उससे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों के बाद प्रदेश में जो बालिकाओं की और महिलाओं की जो स्थिति है खासी सुदृढ़ है यहाँ पर होने वाली है। जी चलिए, शुक्रिया आपका भारत इस जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फेसबुक पेज पर यह पोस्ट किया है कि 2 महीने में महिलाओं के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। आपको बता दें कि 100 दिन का जो कार्यकाल है वो पूरा कर चुकी है गहलोत सरकार और खास तौर पर एक विजन जो कि रखा गया था उसी विजन पर आगे बढ़ते हुए कई अहम फैसले जो लिए गए उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। लेकिन ये कांग्रेस की सोच पार्टी की सोच दर्शाती है खास तौर पर महिलाओं के लिए बालिकाओं के लिए छात्राओं के लिए कि आगे भी उनके हितों को देखते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे।